वो पास खड़े आदमी को इशारा करता है जो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उसे समझाता है कि मैं बोल नहीं सकता। वो सर्जन कैक्टस और उसके एक साथी को देखते हैं जो एक गुंडे की सर्जरी कर रहे थे। बेटी लियो से पूछ रही थी, क्या तुम ठीक हो लियो? वो उसे देख कर डर जाता है कि कहीं वो भी पानी में न गिर जाए। वो इशारे से उसे कहता है दूर हटो। कहानी के शुरू में हम यू नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कश्ती में सैर कर रहा था, पर अचानक से वो पानी में गिर गया था और डूबने लगता है। कश्ती का पंखा लगने से उसके गले पर बहुत गहरी चोट लगती है जिस वजह से उसका काफी खून निकल गया था। उसके मॉम डैड जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर लियो की मॉम से कहते हैं कि हमें जल्दी आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा वरना उसकी आवाज़ हमेशा के लिए जा सकती है। अगर हमने ऑपरेशन ना किया तो हो सकता है वो कभी भी ना बोल सके। पर यहाँ लियो की मॉम डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कहती है मेरे बेटे को गॉड ठीक करेंगी। इसके बाद यहाँ से कहानी कई साल आगे चली जाती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी। लियो भी अब बड़ा हो गया था लेकिन वो अभी भी बोल नहीं सकता था। शाम को लियो अपनी दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम नाजरा था। वो उसके लिए एक तोहफा लाई थी। जब वो उसे खोलता है तो उसमें मोबाइल फोन था। वो कहती है ये तोहफा इसलिए है ताकि हम दोनों मैसेज पर एक दूसरे से बात कर सकें क्योंकि लियो बोल तो नहीं सकता था। इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी लियो इन चीजों से बहुत दूर था। उसको मोबाइल फोन भी सही तरह से चलाना नहीं आता था। उसकी दोस्त नाजरा उसको फोन भी चलाना सिखाती है। ये दोनों एक क्लब में जाते हैं। दोनों यहीं पर नौकरी किया करते थे। लियो यहाँ पर बारटेंडर था तो वहीं पर नाजरा वेट्रेस की जॉब करती थी। वहीं पर दो आदमी नाजरा को छेड़ने लगते हैं। वो गलत तरीके से उससे बात कर रहे थे। ये बात वहाँ पर खड़ा नाजरा का एक दोस्त भी देख रहा था। वो उसे बाहर लेकर चला जाता है और पूछता है क्या तुमने पैसों का इंतजाम किया? वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं और ना ही लियो को मैंने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताया है। ये सब बातें करके वो दोनों दोबारा से क्लब में जाते हैं और नाजरा अपना काम फिर से शुरू कर देती है। लेकिन फिर से वही दो आदमी आकर दोबारा से उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इस बार उन दोनों को लियो ने देख लिया था। वो उनमें से एक आदमी को बाथरूम में ले जाकर मारने लगता है। नाजरा लियो को समझाती है तुम्हारे गुस्से की वजह से हमारी जॉब जा सकती है। इसके बाद बाढ़ के गार्ड्स ने भी उन दो आदमियों को निकाल दिया था। अब तभी नाजरा को एक आदमी की कॉल आती है जो उसको एक जगह का एड्रेस बता रहा था जो वो उसको अपने हाथ पर लिखने लगी थी। पर तभी लियो उसे अपनी छोटी सी डायरी देता है। नाजरा उसी पर उस जगह का पता लिखती है। लियो अपने घर जब रात को सो रहा था तो उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब ये जाकर देखता है तो बाहर नाजरा थी जो जमीन पर बैठी रो रही थी। वो कहती है लियो मैंने तुम्हें कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है। तभी लियो अपनी छोटी सी डायरी में उसे लिख कर बताता है कि तुमसे ज्यादा मेरी जिंदगी में जरूरी कुछ भी नहीं। वो कहती है लियो तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और ये कहकर वहाँ से जाने लगी थी। दूसरी तरफ दो सर्जन कैक्टस और उसके एक साथी को देखते हैं जो वहाँ पर एक गुंडे की सर्जरी कर रहे थे जिसको 5 गोलियां लगी थी। दरअसल वो एक बड़े आदमी के लिए ब्लैक मार्केट में काम किया करते थे जिसका एक बहुत बड़ा हैकिंग का डिपार्टमेंट था। मगर अब कैक्टस इस काम को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाना चाहता था इसीलिए उसने अपने बॉस से अपनी और अपनी बेटी की नकली आईडी बनाने का कहा था। कैक्टस वहाँ पर जिस गुंडे की गोलियाँ निकाल रहा था उसके साथी से पूछता है तुम्हारे बॉस कब तक मेरा काम करेंगे? वो कहता है बहुत जल्दी। लियो जब एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था उसके पास कैक्टस आता है। कहता है जिन दो आदमियों से तुमने बार में लड़ाई की थी वो यहाँ के बहुत बड़े आदमी के लिए काम करते हैं। अगर आईंदा तुमने उनसे किसी भी किस्म का झगड़ा करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मगर उसकी किसी भी बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और लियो वहाँ से चला जाता है। जब वो बार में आता है तो देखता है नाजरा बार में नहीं आई थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वही दो आदमी आ जाते हैं जिन्होंने पहले नाजरा से बदतमीजी की थी। वो दोबारा से लियो के सामने खड़े नाजरा के बारे में गलत बातें करते हैं। लियो को इनकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शराब की बोतल ही उनके मुंह पर देकर मारता है। इसी दौरान एक वेट्रेस को लियो की कोनी लग जाती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसी वजह से लियो का बॉस भी अब उसे नौकरी से निकाल देता है। घर जाकर लियो बहुत गुस्से में था। वो नाजरा को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो? कोई जवाब नहीं आता। अब लियो उसकी तस्वीर लेता है और सड़कों पर उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी रास्ते में वो नाजरा के दोस्त को देखता है जो किसी जगह पर जा रहा था। लियो उसका पीछा करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। उससे नाजरा का पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। उल्टा वो तुमसे कुछ छुपा भी रही थी। सब जानने के बाद लियो अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो अपने फोन में नाजरा का मैसेज देखता है मैं हैकर हॉल में हूँ। जब ये वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर इसे नाजरा तो नहीं मिलती पर वहाँ वो ही दो आदमी थे जिन्होंने नाजरा के साथ बदतमीजी की थी। वो यहाँ पर काम क्या करते थे? उन दो आदमियों के पास आता है और नाजरा के बारे में पूछता है। वो इस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, हम नहीं जानते वो कहाँ पर है। तभी लियो को अपनी डायरी याद आती है जिसमें नाजरा ने एक आदमी का पता लिखा था। अब ये जल्दी से अपनी डायरी पर उस पते को पढ़ता है जिससे उसे उस एड्रेस का पता चल जाता है।
ये जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है। जब ये जाकर दरवाजे की बेल बजाता है तो एक आदमी दरवाजा खोलता है जिसका उंगलियाँ थोड़ा अजीब था। लियो जाते ही उसके घर में बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरों को देखता है जो दीवार पर लगी हुई थी। वो आदमी कहता है ये सभी वो लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ अब तक रह चुकी हैं। तभी लियो एक तस्वीर देखता है जिस पर नादरा लिखा हुआ था। वो आदमी कहता है ओ अच्छा ये लड़की इसके साथ भी मैं रहा हूँ। वो आदमी ये समझ रहा था कि इसके पास लियो पैसे लेने आया है और इसको उसी आदमी ने भेजा है जो इसके पास लड़कियाँ भेजा करता था। इस आदमी की बात पर बहुत गुस्सा आता है जब ये नादरा के बारे में ऐसी बातें कर रहा था, इसलिए ये वही पैसे इसके मुंह में डालकर इसे बहुत मारता है। अब ये होटल में उसी आदमी के पास आया था जिसने नादरा को उस जगह पर भेजा था। वो उस आदमी से पूछता है नादरा कहाँ पर है। वो कहता है मैं नहीं जानता। तभी लियो उस आदमी को अपनी डायरी पर लिखकर बताता है क्या तुम्हारे बॉस को पता है तुम उनके वेटर्स को गलत इस्तेमाल करके पैसे कमाते हो। उसको नादरा की तस्वीर भी दिखाता है जो उसे उस आदमी के घर से मिली थी। अब वो आदमी डर गया था। वो वहाँ पर बैठे गार्ड से कहता है कि इस आदमी को बाहर निकालो ये मुझे कब से तंग कर रहा है। और अब भी नादरा के बारे में लियो को कुछ भी नहीं बताता। लियो उस आदमी के दिए हुए पैसे इसके मुंह पर फेंक कर चला गया था। वो अब स्विमिंग पूल में जाता है और बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो परेशान हो गया था। उसे नादरा का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। लियो को एक आइडिया आता है। वो अब एक मशीन के पास जाता है जो नंबर को ट्रेस कर सकती थी। लियो जानना चाहता था कि उसे ये मैसेज सच में नादरा कर रही है या फिर कोई और। जब वो उस मशीन में नादरा का नंबर टाइप करने लगता है तो वो मशीन उसे नंबर बोलने का कहती है। पर बेचारा लियो तो बोल ही नहीं सकता था, इसीलिए वो पास खड़े आदमी को इशारा करता है जो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उसे समझाता है कि मैं बोल नहीं सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो आदमी जब नंबर बोलता है तो मशीन एक एड्रेस बताती है। अब जल्दी से लियो उस पते पर चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उसे अपने साथ अंदर ले गई थी और जाकर अपनी विग उतारती है। तो यहाँ पर लियो को पता चलता है कि ये तो नादरा का दोस्त था और वो तस्वीर भी जिस पर नादरा लिखा हुआ था वो भी इसी की थी। नादरा का दोस्त अब उसको बताता है कि उसे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए मैं और वो ये काम करते थे। इतना कहकर नादरा का दोस्त लियो को बिजली से करंट लगाकर वहाँ से चला जाता है। लियो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उधर कैक्टस का बॉस उसके पास एक आदमी लाया था जिसे उसने बहुत मारा था। कहता है मुझे लगता है ये हमारे से कोई बात छुपा रहा है और तुम्हें जल्दी इस बात के बारे में पता करना होगा क्योंकि ये वही आदमी था जिससे लियो कुछ वक्त पहले होटल में मिला था। अब जाते हुए कैक्टस का बॉस कहता है तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारे नकली कागजात कल तक बन जाएंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कैक्टस सर्जन होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक गुंडा भी था। वो अपने बॉस के जाते ही उस आदमी को टॉर्चर करने लगता है, उसे बहुत मारता है। उधर दूसरी तरफ लियो को नादरा की मॉम का पता एक किताब से मिल गया था जिस पर नंबरों के साथ साथ एड्रेस भी लिखे हुए थे। ये उनके घर जाता है जहाँ पर नादरा की मॉम को उसकी और अपनी वीडियो दिखाता है। वो उस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। कहती है मेरी बेटी नादरा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। यहाँ पर नादरा की मॉम लियो को एक बात बताती है कि नादरा शादीशुदा थी और उसकी बेटी भी थी। उसका हस्बैंड कैक्टस है, कैक्टस बुरे कामों में पड़ चुका था इसीलिए वो नादरा को बहुत मारता था। और वो अपनी बेटी को लेकर ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाना चाहती थी जहाँ पर जाकर वो सुकून से रह सके, इसीलिए वो पैसे कमा रही थी। ये सब बातें सुनकर लियो को कैक्टस पर शक हो रहा था। वो सोचता है नादरा को गायब करने के पीछे जरूर उसी का हाथ होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ पुराना वक्त दिखाया जाता है जब कैक्टस ने नादरा को अगवा किया था। हम देखते हैं जब लियो के घर नादरा आई थी उस वक्त वहाँ पर कैक्टस भी छुपा हुआ था। वो लियो के घर आकर उन दोनों के चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है और जब वो चाय पीकर बेहोश हो गए थे तो लियो नादरा को उठाकर अपनी गाड़ी में ले आया था। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है जब कैक्टस बैठा अपने साथी के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसका साथी उसे जाते हुए बताता है कि मैं ही लियो को नादरा बनकर बहुत से मैसेज कर रहा था, यानी कि लियो को जो मैसेज आ रहे थे वो भी कैक्टस का साथी ही कर रहा था। ये बात सुनकर कैक्टस को गुस्सा जाता है क्योंकि उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था इसे। वो वहीं से गुजरता हुआ किसी दुकान से बगैर पैसे दिए चीज उठाकर खाने लगता है। पीछे से गार्ड आ गया था जो कह रहा था सर आपको इसके पैसे देने होंगे, लेकिन कैक्टस गुस्से में चाकू निकालकर उस गार्ड को धमकाता है। पर उसका साथी जब उसे रोकने आता है तो वो उसके मुंह पर भी मक्का देकर मारता है। उधर लियो जब अपने घर में था वो नादरा के नंबर पर मैसेज करके पूछता है कि कैक्टस मुझे कहाँ पर मिलेगा। उसका जवाब आता है वहीं पर जहाँ तुम पहले काम करते थे, मतलब बार में। लियो के मैसेजेस का जवाब कैक्टस का साथी ही दे रहा था कि अब बहुत बड़ा लकड़ी का डंडा लेकर बार में जाता है जहाँ पर ये पहले बाहर खड़े गार्ड्स को मारता है, फिर अंदर जाकर सभी लोगों को और आखिर में बॉस के सर में एक पुतला उठाकर जोर से मारता है जिससे वो घायल हो गया था। लियो यहाँ से कैक्टस की सारी आईडीज और पेपर्स लेकर चला गया था। उधर दूसरी तरफ कैक्टस भी अपनी बेटी को लेकर बार में आ रहा था क्योंकि उसने अपने नकली पेपर्स लेने थे। जब वो वहाँ पर आकर देखता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि सारे लोग जख्मी थे। जब ये अपने बॉस के पास जाता है तो वो जख्मी हालत में बताता है यहाँ पर लियो आया था, उसने ही सभी का ये हाल किया है। अब ये जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उन पेपर से लियो को उसके घर का पता चल गया होगा। जाते हुए ये अपने साथी को भी कॉल कर देता है कि वो जल्दी से इसके घर पर पहुंचे। उधर दूसरी तरफ लियो कैक्टस के घर पहुंचकर बेसमेंट में जाता है जहां पर पहले वो उस आदमी को आजाद करता है जिसको कैक्टस ने अपने बॉस के कहने पर कैद किया हुआ था। इधर कैक्टस भी अपने घर पहुंच जाता है
करता है। जहाँ पर पहुँच कर वो पहले अपनी बेटी को एक कमरे में छुपने का कहता है और बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। फिर अपना तेज धार चाकू निकाल कर बेसमेंट में जाता है। उधर अंदर बेसमेंट में लियू एक लकड़ी के दरवाजे के पास पहुँचता है जो बंद था। कैक्टस आकर सबसे पहले उस आदमी को मारता है जिसको लियू ने आजाद किया था। वो लियू के पास आता है और अपने गले से चाबी निकाल कर उसकी तरफ फेंकता है जो उसी लकड़ी के दरवाजे की थी। वो कहता है जाओ उस दरवाजे को खोलो, तुम्हारे लिए कुछ खास है। जब ये खोल कर अंदर जाता है तो पहले लियू फ्रिज खोलता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब ये थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर एक प्लास्टिक के बैग में नादरा की लाश पड़ी थी जिसको कैक्टस ने मार दिया था। लियू ये देख कर टूट जाता है। वो उसकी लाश को उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तभी कैक्टस उसका रास्ता रोकता है और लियू को भी मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वो नादरा की लाश को एक साइड पर रखता है और कैक्टस के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर कैक्टस लियू को सारी सच्चाई बताता है। कहता है मैं तुम्हारे घर से नादरा को अगवा कर लाया था। मैंने उसे प्लास्टिक के बैग में बंद कर दिया जिससे उसका सांस घुटने लगा। मैंने उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारा क्योंकि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी। अब कैक्टस अपना चाकू निकाल कर उसे भी मारने की कोशिश करता है मगर लियू उस चाकू को कैक्टस के गले के ही आर पार कर देता है जिससे कैक्टस के गले से खून निकलने लगा था और वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था। इसके बाद लियू नादरा की लाश को प्लास्टिक के बैग से बाहर निकाल कर जोर जोर से रोता है पर बेचारे की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती। वो रोता हुआ उसे उठाकर बाहर ले आया था। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चल भी पाता। वो साइड पर बैठकर नादरा की लाश को अपनी गोद में लेकर फोन पर वीडियो देखकर अपने प्यार भरे लम्हों को याद करने लगता है। तभी वहाँ पर कैक्टस का साथ आ जाता है जो कैक्टस के घर जाकर पहले उसकी बेटी को देखता है जो कि एक कमरे में बंद थी। वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो कैक्टस को देखता है जो मर रहा था। लेकिन ये उसकी मदद करने की बजाय उल्टा उसे कहता है तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, हमेशा मेरी बेइज्जती की है, बदला लेने का वक्त आ चुका है। उसकी बेटी को भी ले जाता है। कैक्टस ये सब स्क्रीन में कैमरे की मदद से देख पा रहा था। वो जान चुका था कि वो उसकी बेटी के साथ अच्छा नहीं करेगा। ये देख कर वो मर गया था। इसके बाद वो जाकर लियू को भी बेहोश कर देता है और उसे अपने क्लिनिक में ले जाकर उसके गले का ऑपरेशन करता है। उसमें एक वॉइस बॉक्स डाल देता है। अगली सुबह वो लियू को गाड़ी में एक पुल पर ले जाता है जहाँ पर उसके साथ कैक्टस की बेटी भी थी। वो उसको गाड़ी से निकाल कर पहले बेंच पर बिठाता है फिर उस पुल पर लगा जंगला खोल देता है। वो उसकी आवाज में लियू से सॉरी सुनना चाहता था। वो बार बार लियू से कहता है सॉरी बोलो, तुमने मेरे दोस्त कैक्टस को मारा है। पर लियू यहाँ पर कैक्टस के साथी को कस भी पकड़ लेता है और पानी में छलांग लगा देता है और उसे तब तक पकड़ कर रखता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर लियू पानी के ऊपर आता है जहाँ पर पुल पर बैठी कैक्टस की बेटी लियू से पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो लियू। वो उसे देखकर डर जाता है कि कहीं वो भी पानी में ना गिर जाए। वो इशारे से उसे कहता है दूर हटो पर वो नहीं हटती। अब लियू जब जोर से चिल्लाता है कि दूर हटो तो लियू की पहली बार आवाज निकलती है। उसने भी पहली बार अपनी आवाज को सुना था। वो पुल के ऊपर आ गया था जहाँ पर कैक्टस की बेटी उससे कहती है तुम्हारी आवाज कितनी फनी है ना। दोनों हंसने लगते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के पास ले जाऊंगा जो तुमसे बहुत प्यार करती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।